हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको एक कोन को किस तरह से तैयार करना है सिखाएंगे और डोरी को किस तरह से लगाना है ये भी सिखाएंगे। चलिए, हमने कपड़ा लिया है और इसको इस तरह से खींचेंगे। देखिए, इस साइड लंबा हो रहा है तो हम इस साइड का कपड़ों को कटिंग करेंगे और जो हमारा पट्टी है उसका चौड़ाई हम 1 इंच लेंगे। इसको सीधा कर लेंगे। मार्क के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। चलिए, अब हम इसको मशीन पर तैयार करना सिखाएंगे। पहले हम पट्टी को तैयार कर लेंगे। एक पट्टी के ऊपर और एक पट्टी इस तरह से रख देंगे। देने के बाद इस कोन तक सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ों को हम कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से जॉइंट करने में फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। और ये जॉइंट का जो कपड़ा है इसको दोनों साइड हम इस तरह से कर लेंगे। अब हम पट्टी को अटैच करेंगे। यहाँ से 2 पॉइंट का एक मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ से हम पट्टी को अटैच करेंगे। अब हम यहाँ से सीधा सिलाई करेंगे और यहाँ पर हमको सुई को रोक देना है। इसके बाद यहाँ इस साइड को सिलाई करते हुए जाना है और सिलाई के बाद यहाँ पर एक कट लगाना है। अब हम डोरी को लगाएंगे। पहले यहाँ से नाप लेंगे। शोल्डर से हम नाप लेंगे 2 इंच पर। 2 इंच पर हम मार्क करेंगे और इस साइड भी मार्क करेंगे 2 इंच पर। 2 इंच पर हम डोरी को लगाएंगे। अब हम पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और सिलाई करेंगे। अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो हमने डोरी कर लिए मार्क किए थे, डोरी को लेंगे और इसको इस मार्क के ऊपर रख देंगे। इसके बाद इसके ऊपर पट्टी को रखेंगे। डोरी को थोड़ा हम इस साइड बढ़ा के रखेंगे। अब इसके ऊपर से सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हम सुई को रोक देंगे और इसको घुमा लेंगे और पट्टी को भी हम इसी तरह घुमा लेंगे। अब यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर मार्क कर देंगे। देखिए, यहाँ पर हमको सिलाई करना है और इस यहाँ पर सुई को रोकना है, फिर इस तरफ घुमा लेना है। अब हम सुई को यहाँ जहाँ पर हमने मार्क किया था यहाँ पर सुई को रोक देंगे और इस तरह घुमा लेंगे और पट्टी को भी हम घुमा लेंगे इसी तरह।
अब डोरी इस साइड की डोरी को हमें अटैच करेंगे। देखिए डोरी को हमने पहले रख देना है मार्क के ऊपर, इसके बाद पट्टी को इसके ऊपर रखना है। अब सिलाई कर लेना है और डोरी को हमने इस साइड थोड़ा बढ़ा के रखा है। अब हम कोनों पर कट लगा लेंगे, ध्यान से धागे को कट नहीं करना है। अब हम इस कपड़े के ऊपर इस तरह से पट्टी को उल्टा कर लेंगे। अब हम पट्टी के ऊपर से सिलाई करेंगे, इस तरह से हम पूरा सिलाई कर लेंगे। अब हम पट्टी को इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद और एक बार इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और डोरी को इस तरह कर लेंगे। डोरी के ऊपर सिलाई नहीं करना है। अब हम इसके ऊपर से कच्चे सिलाई करेंगे क्योंकि इस साइड हमारा तुरपाई होगा। इस तरह से हम पूरा सिलाई कर लेंगे। हमारा कॉन तैयार हो गया है और डोरी भी हमने लगा लिया है बड़ी आसानी से। देखिए फिनिशिंग बहुत अच्छा आया है और इस साइड भी फिनिशिंग बहुत अच्छा आया है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।